नमस्कार अमरीजनो, आप देख रहे हैं सीयूटी पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक मैसेज है। अभी का जो मौसम है वो हम सभी के लिए बर्दाश्त से बाहर है। जो भी मानव सभ्यता है उनके रहने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, इन्वायरमेंट है, लेकिन हम लोगों ने इन्वायरमेंट के साथ इतना छेड़छाड़ करा है कि अब वो हम सभी के लिए उल्टा बहुत ही बड़ा खतरा बन चुका है। प्लीज आप लोग अपना बहुत ही बेहतरीन तरीके से केयर करने की कोशिश करें। आप अपने घर में जो मेंबर्स हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनका ख्याल करें, एक जिम्मेदारी लें, टाइम टू टाइम उन्हें पानी पूछें, उन्हें पानी पिलाते रहें और घर के बाहर आफ्टरनून में ना निकले। जब भी निकले, शाम में निकले या मॉर्निंग में निकले। अभी का आप टेम्परेचर देख रहे हो 40+ ऑलमोस्ट उत्तर भारत के हर एक डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो साथ ही साथ आपने अगर कोई एनिमल्स रखा हुआ है तो उसे भी पानी पिलाएं दोपहर में, और बीच बीच में पानी पिलाते रहें। आपके पास जो गार्डन है, जो भी प्लांट्स हैं, उसे भी आप टाइम टाइम पानी देते रहिएगा, ठीक है। बहुत जल्द ही मौसम अभी बदल जाएगा, अभी थोड़ा हम लोग एक डिफिकल्ट फेज से गुजर रहे हैं। सो प्लीज बाहर जाने से पहले आप लोग पूरा सनग्लास यूज करें, पूरा फेस पैक करके निकलें, क्योंकि काम भी तो करना ही पड़ेगा। तो प्लीज ये सब चीजें ध्यान रखें। और जब ये पहली बारिश होगी, अगर आप लोग रूरल एरिया से आ रहे हो, ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हो, तो आपके पास एनफ जमीनें होती हैं, प्लीज आप लोग वहां पे पौधे लगाएं, पेड़ लगाएं। और क्योंकि अभी का जो सिचुएशन है, आप समझ सकते हो कि वो कितना डिफिकल्ट हो चुका है। आने वाला 2-3 साल जो है वो कैसे बीतेगा भगवान जाने, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चीजें बहुत जल्द सही हो, पर्यावरण के साथ ही आगे जीवन बढ़ सकता है। मानव सभ्यता का विकास पर्यावरण के ही विकास में है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने अपना अभी का देखो, मेरा जो आउटडोर प्लांट्स है वो भी मैं आफ्टरनून के की टाइम लगभग अंदर ला के रख देता हूँ। मैक्सिमम जितने भी प्लांट्स मेरे यहाँ पे हैं, बगल में बालकनी से अंदर ला के रख देता हूँ। रीजन ये है क्योंकि मेरे 2 प्लांट्स सूख गए, तो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है मेरे लिए ये। तो प्लीज आप लोग ध्यान दें कि अपने एनिमल्स और जो भी आपके घर में लोग हैं सबका ख्याल करें, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है वो बेसिकली है BHU BA LLB 2023 में कितने मार्क्स लाने पे आपको एडमिशन मिल सकता है, इट मींस की फर्स्ट राउंड कट ऑफ के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जरूर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, और इस वीडियो के बाकी सभी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अपडेट्स चाहिए, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहिए, ऑफिशियल कट ऑफ लिस्ट चाहिए, जो कि कुछ दिनों में रिजल्ट के बाद आने लगेंगे, ठीक है। सो प्लीज पूरे काउंसलिंग प्रोसीजर तक आप बने रहिए और इस बेहतरीन चैनल, इस बेहतरीन परिवार का हिस्सा बने, ओके, ठीक है। अभी तो आपको नहीं समझ में आएगा चीजें जो आपने बोर्ड पे देखा, स्टार्टिंग से समझो पहले, जिसमें मैं आपका पूरा कट ऑफ मेकिंग, प्रीवियस ईयर कट ऑफ और 2023 का कट ऑफ सब कुछ डिस्कस करूंगा, क्योंकि हर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड जो पूर्णांक होता है वो बदला है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है कट ऑफ बनाना, रियली कट ऑफ बनाना इस साल बहुत हार्ड है, क्योंकि बहुत सारी चीजें बदली है सीयूटी के अंतर्गत। सीयूटी का दूसरा बैच है, आप लोग दूसरे बैच के बच्चे हो और इन लोगों ने दूसरे ही बैच में बहुत सारे बदलाव भी किए हैं, सिलेबस से लेके पैटर्न तक में। सीट की बात करते हैं, अगर हम लोग BHU BA LLB में, ठीक है, अगर हम लोग BHU BA LLB में सीट की बात करते हैं तो वो बहुत कम है। यही रीजन है कि इसका कट ऑफ बाकी कोर्सेज से सबसे ज्यादा हाई है। बहुत डिमांडिंग फैकल्टी है ये, इसको बोला ही जाता है जजेज फैक्ट्री। जनरली यहाँ से बहुत सारे लोग पढ़ के जो हैं वो बहुत आगे गए हैं। यहाँ के सेमिनार, यहाँ के वेबिनार जो होते हैं वो बहुत इंटरनेशनल नेशनल लेवल तक के होते हैं। मतलब कहने का ये है कि ये फैकल्टी पढ़ने के लिए बहुत ही फेवरेबल है, अपना करियर बनाने के लिए बहुत ही फेवरेबल। जो भी आना चाहते हैं उनके लिए मैं पूरा का पूरा मार्क्स दूंगा कि आप आके यहाँ पढ़ सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। सीट की बात करें तो पहले तो ये कोर्स जो है वो BHU के ओनली FMC में चलता है। FMC मतलब होता है फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस। बाकी कोर्सेज जो है वो इनके एफिलेटेड कॉलेजेस में भी चलते हैं, लेकिन ये कोर्स जो है ओनली FMC में चलता है, फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में चलता है। और इसकी जो सीटें हैं वो है टोटल 74, और यहाँ पे पेड सीटें भी नहीं है। जैसे बाकी में क्या होता है कि मान लो 100 सीटें हैं तो वहां पे 15% एक्स्ट्रा एडमिशन लिया जाएगा, यानी 115 पे लिया जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपके पास 74 के 74 के अलावा कोई अप डाउन नहीं होगा, कोई सुपर न्यूमेरिक सीट नहीं जोड़ी जाएगी, बस 74 के 74 बच्चे ही लिए जाएंगे, इससे ना एक ज्यादा ना कम, ठीक है। कम भी रखा गया, 37 से कम नहीं हो सकता। कहने का मतलब यह है कि इनका जो मैक्सिमम सीट लिमिट है वो 74 ही है। तो दिमाग में बैठा लीजिए कि जो एडमिशन होना है वो 74 सीट के अलावा कहीं नहीं होना है, ठीक है।
अब हम लोग बात करते हैं, अच्छा फीस भी जान लेना थोड़ा सा, इसकी फीस ज्यादा है हर जगह, वैसे प्रोफेशनल कोर्सेज में आता है ये, तो इसकी जो फीस होती है वो हाई ही होती है, 60,000 यहाँ पे एनुअली फीस है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं आपका जो सीयूईटी में वेटेज है इस पर्टिकुलर कोर्स का, ठीक है, कट ऑफ मेकिंग के लिए, तो वो है S1, S2 and GT, यानी कि सीयूईटी के जो पूरे रिकमेंडेड सेक्शंस थे वो पूरे इसमें आने थे। आपको लैंग्वेज भी लेना था एक, आपको एक डोमेन यानी लीगल भी लेना था, और आपको जनरल टेस्ट का भी एग्जाम देना था। लेकिन लास्ट ईयर जो जनरल एग्जाम का नंबर ऑफ क्वेश्चंस था वो डिफरेंट था। इस साल कितना था, 50 ही करने थे, लेकिन उस साल 60 करने थे। यही रीजन है कि कट ऑफ के जो पूर्णांक है वो बदले हैं, ठीक है। S1 में 40 क्वेश्चंस आपको करने थे, S2 में भी 40 क्वेश्चंस करने थे, और GT में आपको करने थे टोटल 50 क्वेश्चंस। पूरा ऐड करते हो तो 4 4 8 8 5 13 यानी 130 क्वेश्चंस आपको करने, ईच क्वेश्चंस कैरी 5 मार्क्स, ठीक है, और मल्टीप्लाई करते हो टोटल पूरा निकल के आ जाता है वह 650 यानी 650 नंबर का आपका एग्जाम हुआ है, जिसपे आपका अब कट ऑफ बनने जा रहा है, जिसको मैंने पूरा ही 80% से सॉल्व करके निकाला है। आपको मैं बता दूं कि BHU पाठशाला पे, इट मींस कि जो चैनल आप देख रहे हो यहाँ पे, हम लोग BA LLB का पर्टिकुलर बैच चलाते हैं। आप अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो जस्ट स्क्रीन पे जो नंबर रन कर रहा है उस पे व्हाट्सअप करके हमारा एनरोलमेंट ले सकते हो। अभी हमारे यहाँ कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, चूंकि बच्चों की रिक्वायरमेंट आने लगी है, ठीक है, मतलब कि बच्चे भी डिमांड कर रहे हैं कि सर बैच हमें स्टार्ट चाहिए। सो फाइनली आप लोग इंटरेस्टेड है तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे लास्ट ईयर कट ऑफ का। लास्ट ईयर कट ऑफ से ही हम लोगों ने कंपेयर करा है, एनालिसिस किया है 2023 के लिए। ध्यान दीजिएगा, हमारा आज का जो कट ऑफ है वो अनऑफिशियल है, इट मींस कि आपको चिंता से मुक्त करने के लिए बनाया गया है। आपको इसलिए बताया जा रहा है जिससे आप लोग कहीं ना कहीं इंश्योर हो सको और तन्मयता के साथ एक लंबी सांस ले सको कि हाँ भाई चलो हमारा एडमिशन हो जाएगा, या हम लोग एकदम बाहर है, आउट ऑफ एरिया है, आउट ऑफ सिलेबस है, हमारा कोई उम्मीद नहीं, हमें कुछ और सोचना चाहिए। बेसिकली पैनिक नहीं होना है, मेरे किसी वीडियो देखने के साथ साथ आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। मैं बताऊंगा कि कब मैं जब बात बोलता हूँ पत्थर की लकीर है और कब मैं बात बोलता हूँ पत्थर की लकीर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो जनरल का लास्ट ईयर गया था वो था 534, ये स्टार्टिंग का फर्स्ट राउंड था। इसके बाद भी 2-3 राउंड आए थे, लेकिन बहुत बचे हुए सीटों के लिए, सपोज कि बस 4-5-6 सीटों के लिए, ठीक है। ओबीसी के लिए 493, ईडब्ल्यूएस के लिए 520, एससी के लिए 433, एसटी के लिए 435, इस तरीके से, ठीक है। ये आपका जो है वो कट ऑफ आया था, हो सकता है ये रिवर्स में चल रहा हो, ठीक है, वो लास्ट ईयर कट ऑफ मैंने ऑफिशियल दिया हुआ है, आप देख लेना। इट मीन्स ये टोटल लास्ट ईयर का कट ऑफ आपके सामने है। अब हम लोग इस बार के कट ऑफ की अगर एनालिसिस करते हैं, BHU 2023 BA LLB 5 इयर्स प्रोग्राम का ये अनऑफिशियल कट ऑफ आपके सामने है, जिसमें हम लोगों ने जनरल का जो, ये ध्यान दीजिएगा कि लास्ट ईयर का जो कट ऑफ मेकिंग है उसमें एक बहुत बढ़िया प्लान बता रहा हूं आपको। जैसे कि उस साल जो आपका एग्जाम हुआ था वो था 700 का, ठीक है, 700 मार्क्स का आपका एग्जाम हुआ था, लेकिन उन्होंने 600 पे ही आपका कट ऑफ बनाया। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने जो लैंग्वेज का 200 मार्क्स का पेपर था उसको 50% कंसीडर किया। इट मींस कि 200 में उसको 100 करके टोटल 600 का पूर्णांक बना दिया। जैसे कि एक लड़का पाता है 180, तो उसके 90 मार्क्स को ही कंसीडर किया जाएगा। आप जितना भी मार्क्स पाते हो उसके 50% को उन्होंने कंसीडर किया हुआ है। इस बार भी ये होने की संभावना है, लेकिन वो बहुत पेचीदा कैलकुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से मैंने 650 पे ही आपका कैलकुलेट किया हुआ है, और उस समय 700 पे कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट था, इसलिए 600 में उन्होंने कर दिया। इस साल 650 है, ना ही 700 है, ना ही 600 है, तो हो सकता है कि वो लैंग्वेज को पूरा कंप्लीट बच्चों को कंसीडर करे, क्योंकि अगर वो बस लैंग्वेज को कंसीडर 50% करते हैं तो ऐसे में जीटी का वेटेज बढ़ेगा। ये एक पेचीदा कैलकुलेशन है, इसीलिए अभी मैं आपको इंश्योर कर रहा हूं कि ये मैंने पूरा ओवरऑल पूर्णांक पे आपका जो है वो मैंने एनालिसिस किया हुआ है। जनरल के लिए लगभग 560, ठीक है, ये आउट ऑफ 650 पे ध्यान दीजिएगा। ओबीसी के लिए 540, ईडब्ल्यूएस के लिए 550, एससी के लिए 460 और एसटी के लिए 450। ये आपका फर्स्ट राउंड कट ऑफ है, इट मींस कि इससे थोड़ा मोड़ा नीचे जा सकता है, ठीक है, लेकिन अगर इतना पाते हो तो आपके एडमिशन की लगभग गारंटी भी है। अप्रोक्स इतने मार्क्स पाने के साथ साथ आपके एडमिशन होने की संभावना है। सो फाइनली आज के इस वीडियो में आप देख रहे थे BHU ब्लैट यानी कि 5 इयर्स BA LLB प्रोग्राम में कितने मार्क्स लाने पे आपको मिल सकता है एडमिशन। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, और आप यदि इस वीडियो को पसंद किए, आपको चीजें समझ में आई, आपको बातें समझ में आई, तो प्लीज आप अपने सब्सक्राइब चैनलों में BHU पाठशाला, CUET पाठशाला को भी सब्सक्राइब करके रखें, और हमारे आने वाली अपकमिंग वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मुस्कुराते रहे, बहुत सारी शुभकामनाएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप एक बहुत ही हेल्दी और एक बहुत ही बढ़िया सा कॉमेंट्स पिन करें। बहुत सारी शुभकामनाएं।
ऑल द बेस्ट, हर हर महादेव।